हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अब हम लोग पार्ट नंबर 13 पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में, और दो टॉपिक आप लोगों के बाकी है। हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर पूरा कर लिया था, फिर लिखेंगे फाइनेंशियल पावर। थर्ड है फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर ये है प्रेसिडेंट की कि वो हर साल के शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, उसकी शुरुआत में पार्लियामेंट में सरकार के खर्चे रखता है, खर्चे और इनकम को रखता है एक साल में सरकार ने क्या किया है ना। तो इसमें लिखेंगे इन द बिगनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, इन द बिगनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द प्रेसिडेंट शैल कीप द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज में उसको रखना होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। क्या रखता है? खर्चे और इनकम जो एक साल में सरकार को हुई है ना, वो उसका अधिकार होता है। सरकार ही उसको बताती है कि ये हुआ है और उसको वो संसद में रखता है। फिर देखिए फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग को सुन के भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जुडिशियल पावर। आप लोग हेडिंग डालिए जुडिशियल पावर। अब देखिए एक जुडिशियल पावर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को है ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको, जो अपॉइंटमेंट और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स में हमने पढ़ लिया था, तो उसको मैं बाद में नहीं लिखा रहा। अब जुडिशियल पावर में एक और जो इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो ये है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को भारत के उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी है ना, फांसी की सज़ा सुना दी, या मान लीजिए बहुत बड़ी सज़ा सुना दी 21 साल की है ना, हाईस्ट 21 साल ही होता है वो होता है, उसकी इतनी सज़ा सुना दी, उम्र कैद की सज़ा सुना दी, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसकी सज़ा को कम कर सकता है, उसकी फांसी को माफ़ कर सकता है, या उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास अधिकार है। देखिए हमारे केस जो स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, पहले हम लोअर कोर्ट में जाते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, कोटा का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक सिटी का होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी उसको फांसी की सज़ा दी है ना, उसकी नहीं सुनी, उसकी बात पे, उसकी जो रिट थी, उसकी जो पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया, खारिज मतलब कि कैंसिल कर दिया, तो अब उसके पास क्या अधिकार है, वो कहाँ जा सकता है, राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है, उसका वकील, कि मेरे मुवक्किल को, मेरा जो वो है, वो क्षमा याचना चाहता है उससे जो हुआ वो गलत हुआ। देखिए वो ये नहीं कहेगा उसने ऐसा करा नहीं था, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर वो ऐसे कह देगा ना कि उसने ऐसा नहीं किया था, तो प्रेसिडेंट पहली बार में उसको खारिज कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही कहेगा अगर ऐसा नहीं किया था तो 3 दिन कोर्ट पागल तो नहीं ना उसको सजा दे दी, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट के पास कभी भी ये नहीं कहा जाता कि इसने ऐसा किया नहीं था, कोर्ट ने उसको गलत सजा सुनाई है, नहीं, वो कहते हैं कि सजा ठीक है, सही सुनाई गई है, लेकिन हम आपके पास क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसकी फांसी की सज़ा को आप माफ़ कर दीजिए। अभी रिसेंटली जो 2012 में निर्भया केस हुआ था है ना, दिल्ली में जो रेप केस हुआ था, उसके चारों पीड़ित ने, उनको हाईकोर्ट से भी वो गई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी, ठीक है, फिर उन्होंने कहाँ पर रिट लगा दी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है ना, कि हमारी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दीजिए या उम्र के अंत में बदल दीजिए। प्रेसिडेंट के पास राइट तो है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था, कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो उनको फांसी की सज़ा हुई फिर। तो ये बात है कि उनको, तो प्रेसिडेंट के पास राइट, कितना बड़ा राइट है ये, कि वो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है, ठीक है, कि इसको फांसी नहीं दीजिए, इसको जिंदगी भर जेल में रख लीजिए, है ना। और प्रेसिडेंट ने किया भी है इसको कई बार, कि ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर ऐसा बहुत हीनियस क्राइम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइम वो नहीं है, बड़ा नहीं है, वैसे बड़ा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट फांसी क्यों देता, लेकिन फिर भी लगता है कि ठीक है, बहुत साल इसने जेल में बिता लिए, तो इसको फांसी ना देके उम्र कैद में बदल दीजिए। लेकिन जो रेप केसेस होता है उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाता है, बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है समाज के लिए, तो उसमें माफ़ी की कोई बात होती ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे जुडिशियल पावर में, द प्रेसिडेंट हैज़ द इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ फॉरगिवनेस, द प्रेसिडेंट हैज़ द इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी की है ना, फॉरगिवनेस। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ अ राइट टू ग्रांट फॉरगिवनेस टू पर्सन रिसीविंग पेनल्टीज अंडर द जुडिशियल पावर और टू पोस्टपोन द पनिशमेंट फॉर सम टाइम, और टू पोस्टपोन द पनिशमेंट फॉर सम टाइम, या तो वो माफ़ी कर दे या पोस्टपोन कर दे कि ठीक है अभी 1 महीने इसकी फांसी रोक दीजिए, फिर बाद में हम लोग इसको देखते हैं वापस, है ना, 1 महीने के लिए भी रोक लीजिए, मतलब 1-2 महीने तो ऐसे ही टरका देते हैं, है ना। 2012 के केस में 2020 में फांसी मिली है, तो आप सोच सकते हैं ना कि जुडिशियल सिस्टम कितना आराम से काम करता है। तो वो ये कि प्रेसिडेंट पोस्टपोन भी कर सकते हैं, चाहे तो माफ़ भी कर सकते हैं।
तो प्रेसिडेंट ऑल्सो इज अ राइट टू ग्रांट फॉरगिवनेस ऑफ पर्सन रिसीविंग पेनल्टीज अंडर द जुडिशियल पावर और टू पोस्टपोन द पनिशमेंट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों की जो पावर थी पूरी हो गई, इमरजेंसी राइट्स आएंगे अब, या आप लोगों का जनरल पावर पूरी हो गई प्रेसिडेंट की। इमरजेंसी राइट हम लोग पार्ट नंबर 14 में करेंगे। थैंक यू।